ओके देखो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, चैप्टर 3। क्या दिया होगा ये इसमें क्वेश्चन में, सीधा मुद्दे पे आते हैं हम लोग। देखो आपको क्वेश्चन में दिया होगा सबसे पहली चीज बैलेंस शीट, ठीक है, और दूसरा क्या दिया होगा एडजस्टमेंट दी होगी, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ चैप्टर क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्यों एडमिशन ऑफ पार्टनर करने का, नए पार्टनर को क्यों बिजनेस में लाने का। ऑलरेडी लेकर अगर कोई बिजनेस है उसमें पार्टनर ए है और क्या है बी, ऑलरेडी दो पार्टनर हैं तभी तो पार्टनरशिप फॉर्म होगा ना, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, दो पार्टनर चाहिए। तो दो पार्टनर है ए और बी, फिर तीसरा पार्टनर है चौथा पार्टनर क्या के लिए लाने का, बिजनेस को संभालने के लिए, मतलब उसका क्या होता है मैनेजमेंट, ठीक है। पहला रीजन क्या है मैनेजमेंट, मतलब अगर दो पार्टनर हैं बिजनेस चला रहे हैं और हुआ क्या कि बिजनेस एक्सपांड हो गया, बिजनेस बड़े लेवल पे आ गया, तो दोनों उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो बिजनेस का एक बात याद रखना कि बिजनेस आप स्टार्ट तो कर सकते हो लेकिन अगर उसको मैनेज नहीं करोगे तो बिजनेस कभी भी क्या हो सकता है, बंद हो सकता है ना। तो उसको मैनेज करने के लिए हम नए पार्टनर को लेट सी को हमने क्या किया बिजनेस में एडमिट किया है। तो बिजनेस को में जब सी को हम लेके आएंगे तो उसके लिए कुछ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो हमें क्या करने होते हैं फॉलो करने होते हैं, ठीक है। फिर चलो पहला रीजन आपने दिया कि सी को हमें क्यों एडमिट करना चाहिए, यानी तीसरा पार्टनर को क्यों एडमिट करना चाहिए, तो एक रीजन आपने दिया मैनेजमेंट, दूसरा रीजन और क्या हो सकता है, मे बी कैपिटल कम होगा, तो दूसरा हम लोग क्या उसको एडमिट करेंगे कैपिटल के लिए। कभी कभी क्या होता है दो पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल आया, बिजनेस कर रहे हैं, फिर बिजनेस को एक्सपांड करना है, बड़े लेवल पे करना है, लेकिन अपना कॉमर्स क्लासेस है, कल को हमें साइंस क्लासेस भी ओपन करना था, ऐसे ही ओपन हो जाएगा कि कैपिटल लॉ भी तो होगा। अब मैं कॉमर्स का बंदा हूँ तो मैं कॉमर्स संभाल सकता हूँ अच्छे से, लेकिन फिर मैंने क्या किया किसी साइंस वाले से पार्टनरशिप की और काविश के ही नाम पर हमने क्या किया साइंस क्लास ओपन किया। तो साइंस क्लास जब ओपन करोगे तो मैं साइंस को मैनेज नहीं कर सकता हूँ, तो साइंस क्लासेस को मैनेज करने के लिए मैंने एक पार्टनर रखा। फिर हो सकता है कि साइंस क्लास ओपन करना आपने को तो उसके लिए क्या चाहिए बेंचेस चाहिए है ना, लैब हम लोग ये करेंगे लैब बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो नया पार्टनर क्या करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रहेगा कैपिटल, यानी नए पार्टनर को जब हम लाते हैं तो बिजनेस में मैनेजमेंट के लिए या फिर और फर्दर कैपिटल के लिए, ठीक है। और भी कुछ रीजन होते हैं वो हम लोग को जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, ट्वेल्थ के लिए होते हैं, ठीक है। बट चलो आपने सी को लाया है ना, तो तीन पार्टनर इस तरह से हो गए, पहले कितने पार्टनर थे दो पार्टनर थे, तो इन दो पार्टनर्स को क्या बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। फिर ये जो सी नया आया है ये क्या उसको क्या बोलेंगे न्यू पार्टनर्स, क्योंकि ये सब टर्म्स में क्या करने वाला हूँ जब सम्स कराऊंगा तो यूज करने वाला हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया न्यू पार्टनर कौन होगा जो नया बिजनेस में आता है, ओल्ड पार्टनर्स कौन होंगे जो ऑलरेडी थे बिजनेस को जो रन कर रहे थे। अच्छा नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो वो क्या लेके आएगा, ठीक है, कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। नया पार्टनर क्या लेके आएगा कैपिटल, और दूसरा क्या लेके आएगा गुडविल का अमाउंट। अब होता क्या है गुडविल का ट्रीटमेंट, देखो पूरा ये चैप्टर इजी है बट गुडविल का केस क्या होता है डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, लेकिन गुडविल में तीन चार केस है, अगर वो याद कर लोगे उसकी जर्नल एंट्री होती है, अगर याद कर लोगे सब को प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नया पार्टनर कैपिटल का लाएगा, अभी गुडविल का क्या होता है, तो लेट बिजनेस कितने लोग ने बनाया था ओल्ड पार्टनर्स ने डेवलप किया, तो स्टार्टिंग में जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने को खाली प्रॉफिट होता है या लॉस भी होता है, शुरुआत में लॉस भी हो सकता है या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है या फिर माइनर प्रॉफिट होता है। जब बिजनेस का नाम हो जाता है रेपुटेशन हो जाता है मार्केट में, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है या सुपर प्रॉफिट होता है, अब बोलो ऐसा कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अभी लेट अपन रहते हैं मलाड में है ना, एड्रेस बता रहा हूँ आप लोगों को, तो अपन रहते हैं मलाड में, मलाड में क्या फेमस है किसकी मिठाई फेमस है एमएमटी, ठीक है,
क्यों आप एमएम का और मिठाई की दुकान नहीं दिखती है क्या, लेकिन एमएम में आप क्यों जाते हो, क्योंकि वो फेमस है। ठीक है, तो कली उसने ओपन किया क्या? नहीं, काफ़ी टाइम उसको ओपन किया हुआ, उसने गुडविल कमाया, नाम कमाया, तो खाली नाम पे आप उसके जाके क्या कर रहे हो, उसका गुड्स आप परचेस कर रहे हो, तो उसको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? अब ये नाम बनाने में टाइम लगता है, पैसा लगता है, ठीक है। तो वो जो नाम ए और बी ने ओल्ड पार्टनर्स ने मिलकर बनाया था, सी अभी आएगा, लेट 10 साल बिजनेस को हो गया, ओल्ड पार्टनर्स के बिजनेस को कितना हो गया, 10 साल हो गया, 11वें साल में सी आएगा, तो सी को खाली नॉर्मल प्रॉफिट में ही शेयर मिलेगा या फिर सुपर प्रॉफिट में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी शेयर मिलेगा। और सी तो 11वें साल में है ना, 10 साल मेहनत करके बिजनेस को किसने डेवलप किया, ए और बी ने, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने डेवलप किया, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें किसका शेयर बनता है, ए और बी का, सी का शेयर बनता है क्या? नहीं, स्टार्टिंग के कुछ सालों तक तो उसका शेयर नहीं बनेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा लेके आता है उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल का अमाउंट। तो नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हो, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। तो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आएगा तो आपको दो पहला ही एडजस्टमेंट रहेगा, क्या कि नया पार्टनर क्या लेके आएगा, कैपिटल का पैसा, तो उसको आपको ट्रीट करना होगा, उसका क्या एडजस्टमेंट, क्या इफेक्ट आएगा, और दूसरा क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट देना होगा, समझे। तो ये दो ट्रीटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नए पार्टनर के लिए। बाकी एडजस्टमेंट में क्या आएगा मालूम है, देखो जब हम शादी करते घर में नई बहुरिया आती है ना, नई बहू आती है, तो घर पुराना कबाड़े जैसा रहता है, फिर उसको रिन्यू करते हैं, रिन्यू करते हैं, है ना। तो उसी तरह से जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो बिजनेस के जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, रीवैल्यू करते हैं, क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। तो रीवैल्यू करने से होता क्या, या तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएगी, या तो क्या होगी, नीचे जाएगी, मतलब कम होगा, या तो फिर ज़्यादा होगा, क्या एसेट्स का वैल्यू और लाइबिलिटी का वैल्यू। और वो आपको एसेट्स और लाइबिलिटी कहाँ मिलेंगे, आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में मिलेंगे, है ना। बैलेंस शीट में होता है क्या, एसेट्स और लाइबिलिटी होती है ना, समझ में आया। तो जो पुराने एसेट्स होते हैं, जो देखो बैलेंस शीट में जो एसेट्स रहेंगे ना, उनकी जो बैलेंस शीट में वैल्यू रहेगी उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, कौन सी वैल्यू बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं, जो बैलेंस शीट में वैल्यू रहेगी, और फिर आपको एडजस्टमेंट में उसकी नई वैल्यू दी रहेगी। लेट एक एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोगों को, कि बैलेंस शीट में ना लैंड एंड बिल्डिंग है, और लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बैलेंस शीट में कितनी दिखाई है, 1,00,000। अब एडजस्टमेंट ने क्या बोला कि लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू जो है ना, रिन्यू वैल्यू, वो है 1,20,000। आपकी बुक वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू बताई थी अभी लैंड एंड बिल्डिंग की, 1,00,000, और एडजस्टमेंट में कितना बोला, 1,20,000। तो आपको 20,000 की क्या देनी होगी, इफेक्ट देनी होगी, आपको एडजस्टमेंट करना होगा, मतलब ठीक है, आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 का बुक वैल्यू था, उसमें आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। फाइनल अकाउंट अगर पढ़ा है आपने तो आपने एप्रिसिएशन किया होगा, ठीक है, तो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिसिएशन है ना, तो इसमें 20,000 बढ़ो ऐड करोगे तो आपके एसेट्स की नई कीमत कितनी हो जाएगी, 1,20,000। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट, इस तरह से एडजस्टमेंट आएगा। मैंने आपको क्या बोला, एडजस्टमेंट में क्या क्या रहेगा, नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आएगा, वो आपको एडजस्ट करना होगा, ठीक है। और फिर और एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा, थोड़े से एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू किया होगा, या तो रीवैल्यू में क्या होगा, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या तो क्या होगी, कम होगी, है ना। तो वो आपको ट्रीट करना होगा, वो कैसे ट्रीट करेंगे, जब हम सम करेंगे तो वहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या आएगा वो तो आपको पता चल गया, बैलेंस शीट आएगा और क्या आएगा, एडजस्टमेंट आएगा, है ना। आपको आंसर में बनाना क्या होगा, ठीक है, आपका आंसर का पार्ट क्या होगा, तो आपका आंसर का पार्ट होगा, पहला आपको क्या बनाना है बोलो, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जैसे रिजोल्यूशन आपने सीखा, रिजोल्यूशन में क्या बनाया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कैश और बैंक बनाया आपने। उसी तरह से यहाँ पे आंसर में आपको कौन सा लेजर बनाना होगा, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये किसका नाम है, रिवैल्यूएशन का ही दूसरा नाम है।
तो आइदर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और आप क्या बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर दूसरा आपको अकाउंट बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल, कौन सा अकाउंट बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर तीसरा आपको बनाना होगा अगर कैश में कुछ एडजस्टमेंट है तो ये ऑप्शनल रहता, बनाओगे तो भी चलेगा नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट बनाओगे तो अच्छा होगा। कैश और बैंक अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट बनेगा। और लास्ट में क्या बनेगा बैलेंस रिजोल्यूशन के चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनाते क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्म बंद हो जाता है, तो बैलेंस शीट का काम क्या है ना। लेकिन ये जो एडमिशन और पार्टनर ये तो बिजनेस हम कंटिन्यू करेंगे ना आगे के सालों में, ठीक है, तो आपको बैलेंस शीट तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट, आपको क्या बनाना होगा न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में एसेट्स की नई वाली वैल्यू आएगी या ओल्ड वाली वैल्यू आएगी, नई वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी तक ये सब समझा आप लोगों को, चलो अभी कुछ और टर्म्स है वो बता देता हूँ आपको। गुडविल के लिए अलग से मैं लेक्चर लूँगा, उसमें आपको समझा दूंगा कि गुडविल के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और फिर उसके अलावा देखो अभी ओल्ड पार्टनर थे ना, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन था, ए और बी, लेट एग्जांपल ए और बी थे, ठीक है। इनका रेशियो होगा ना, क्योंकि देखो पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैसे बांटते, रेशियो में बांटते, तो लेट इनका रेशियो क्या है 2:1, तो ये जो रेशियो दिया है ना इस रेशियो को बोलेंगे ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का रेशियो है, इसके लिए क्या बोलेंगे इसको ओल्ड रेशियो। फिर जब नया पार्टनर आएगा तो रेशियो यही रहेगा या रेशियो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ तो शेयर देंगे ना, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ शेयर देंगे, तो उसका जो शेयर होगा वो क्या होगा न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। देन उसको हमने बोला कि भाई तू बिजनेस में आ जा, तेरे को 1/4 तेरे को हम लोग प्रॉफिट देंगे। 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि 4 रुपये का प्रॉफिट होगा तो भाई तेरे को 1 रुपया एज अ प्रॉफिट हम देंगे। तीसरा पार्टनर हमने किसको रखा है, सी को, एज एग्जाम्पल। तो सी को जब बिजनेस में एडमिट करेंगे तो सी पूछेगा ना कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो अगर हम लोग क्या बोलेंगे 4 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया प्रॉफिट तेरा। पहले ओल्ड रेशियो क्या था बताओ, 2:1, मतलब कितना 2:1 का टोटल कितना था 3, है ना। तो अगर 3 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपया कौन रखेगा ए, और 1 रुपया कौन रखेगा बी। और 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो 20,000 किसको जाएगा ए को, और 10,000 किसको जाएगा बी। समझ में आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट समझा आपको न्यू ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है तीसरा न्यू रेशियो, कि नया पार्टनर आया तो अभी रेशियो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करने का उसके लिए अलग से लेक्चर दूंगा, या फिर ये वाला तो अभी मैं बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो इज इक्वल टू भूल गया ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। अभी बैलेंस रेशियो क्या होता है, तो लेट न्यू पार्टनर को हम क्या दे रहे हैं 4 रुपये में से 1 रुपया दे रहे हैं, बचा कितना रुपया 3 रुपया, वो 3 रुपया किसको मिलेगा नए पार्टनर को, सी को हम 4 में से कितना दे रहे हैं 1 रुपया, तो बचा कितना 3 रुपया, वो किसको बांटेंगे ओल्ड पार्टनर। समझ में आया कुछ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और तीसरा यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस रेशियो, और बैलेंस रेशियो क्या होगा 3/4, और यही आपको हेल्प करेगा क्या करने के लिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के, ठीक है। क्लियर है अभी, तो 3/4 कैसे आया, न्यू पार्टनर को जो शेयर हम दे रहे हैं उसको हमने क्या किया माइनस करने के बाद जो आया वो, है ना। तो क्या माइनस किया, कैसे माइनस किया बताओ, 4 में से 1 रुपया किसको दे रहे हैं सी को,
तो बचा कितना रुपया? 3 रुपया। वो किसको देंगे हम लोग? ए और बी को, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। कितना? 3/4। समझाइए कैसे आया। अभी न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते वो देखो। तो न्यू रेशो किसका कैलकुलेट करेंगे? सारे पार्टनर्स का। सारे पार्टनर्स में कौन आएगा? ए आएगा, बी आएगा और क्या आएगा? सी आएगा। बताओ ए का ओल्ड रेशियो क्या बोलो? 2/3। और बैलेंस रेशियो क्या बोलो? 3/4। ठीक है, 2 3 6 6 3 4 12। समझाइए। चलो नेक्स्ट अभी क्या? बी का, बी का ओल्ड रेशियो क्या बोलो? 1/3। बैलेंस रेशियो क्या? 3/4। 3 4 3 4 3 4। सिंपल है। और सी का रेशियो क्या दिया हमने? 1/4। यहाँ पे नीचे क्या है? 4 है ना। चलो देखते हैं, अगर ये 12 अगर 4 होता है दोनों भी तो ठीक है, अदरवाइज इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। समझ आए? इसका ए का डिनोमिनेटर कितना है? 12। बी का डिनोमिनेटर कितना है? और सी का कितना है? 4 है। तो ये 4 रहना चाहिए या 12 होना चाहिए? 12 होना चाहिए। आइदर ये 12 करो और इन दोनों को क्या करो? 4 करो। तो चलो देखते हैं, सिंपल होता है क्या? 3 2 जा 3 4 जा 12 3 1 जा 3 4 जा 12। सबका डिनोमिनेटर सेम आया क्या? 4 हो गया। चलो तो न्यू रेशियो क्या है? देयरफॉर न्यू रेशियो क्या होगा बोलो? 2:1:1। टोटल 4 हो गया ना। 2:1:1। ए का कितना है? 2। बी का कितना है? 1। और सी का कितना है? 1। समझ में आया रेशियो? तो न्यू रेशियो कैसा कैलकुलेट करते समझा? वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, न्यू रेशियो और कर लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। अभी इसमें एक और रेशियो आएगा और वो होगा सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है, चलो देखते हैं। तो वो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग सीख लेते हैं। ओके, देखो अभी सेक्रीफाइस रेशियो। अच्छा, सबसे पहले बताओ सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या? सेक्रीफाइस कर। ठीक है, कैसे? एक सीट है, उसमें कितने लोग बैठे थे? दो लोग। अभी वही सीट पे तीसरा भी आ जाएगा तो बाकी दो लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जगह। पहले दो लोग कैसे बैठे थे? फैल के बैठे थे। ठीक है, अभी वो लोग क्या करेंगे? थोड़ी थोड़ी जगह देंगे और किसको जाएंगे? सी को भी मिटाएंगे। समझ गया? तो क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। कौन करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है? बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता था पहले कौन बांटता था? ए और बी। अभी कितने बांटेंगे? ए बी और सी, तीनों बांटेंगे ना। आपको कोई दुख है तो सीधे बैठिए। ये 4 था, अभी 5। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइस याद रखो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे बनता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, और सेक्रीफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स। तो सेक्रीफाइस रेशियो किसका निकालोगे? ओल्ड पार्टनर्स का। नए पार्टनर्स का सेक्रीफाइस रेशियो नहीं निकालने का। ठीक है, चलो तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या बोलो? 2/3। ये रहा ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/3। न्यू रेशियो क्या है ए का? 2/4। समझाइए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 2 जा कितना होएगा? 3 2 जा कितना होएगा? और 4 3 जा कितना होएगा? जमुरे। ठीक है, तो ये कितना होएगा? 2/12। अब बी, बी का ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो लिखेंगे ना, 1/3 माइनस 1/4। बी का न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है ना। हाँ। ये तीनों भी क्या है? आयुर्वेदिक में है न्यू रेशियो। कौन बोला आयुर्वेदिक? ठीक है, ये क्या है?
फोर वन जा फोर थ्री वन जा थ्री फोर थ्री जा थ्री फोर माइनस थ्री वन अपॉन ट्वेल्व ठीक है क्या रेशियो है टू इज टू वन देयर फॉर क्या लिखा है सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया ओल्ड रेशियो भी टू इज टू है तो लकीली आ गया बट कैसे कैलकुलेट करते समझा ना ठीक है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस रेशियो हाउ वी गेट बैलेंस रेशियो तो नए पार्टनर को जो भी शेयर ले रहे हैं उसमें से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा ठीक है ये चलो तो ये किसका रेशियो था सैक्रिफाइस रेशियो किसका है ये ए और बी का समझ में आया तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त करते हैं क्या सीखा हमने एडमिशन में पार्टनर में पहला क्यों एडमिशन करते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है या फिर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है तो इसके लिए बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं नए पार्टनर को एडमिट करते हैं पहली चीज दूसरी चीज और क्या ठीक है नया पार्टनर क्या लेके आएगा कैपिटल का पैसा और गुडविल का पैसा ये दो पैसे उसको लाने होते हैं बिजनेस में लाया तो कैसा ट्रीट करने का नहीं लाया पैसा गुडविल का तो कैसे ट्रीट करने का दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर ठीक है फिर उसके बाद आपने तीन टाइप के रेशियो देखे ओल्ड रेशियो ठीक है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो और ये न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करना वो भी आपने सीखा ठीक है इन केस अगर क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया है तो पार्टनर्स के रेशियो क्या होते हैं इक्वल हाँ समझ में इन केस हाँ जितने भी पार्टनर रहेंगे सबका रेशियो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा अगर नहीं दिया है तो ठीक है डन फॉर द डे